नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। साईं बाबा को लेकर दिए विवादित बयान के बाद से बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा एक बार फिर पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा था कि साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। इस बयान का अब जमकर विरोध किया जा रहा है। आम जनता से लेकर राजनेता तक इस विवाद में दोस्तों कूद पड़े हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने भी साईं बाबा विवाद पर बयान देते हुए कहा, साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, उनको लेकर इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कई बाबा चर्चा में बने रहते हैं। इन बाबाओं का भविष्य में क्या होता है वह सभी को पता है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र अवार ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा साईं बाबा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर शिंदे फडणवीस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सभी को महापुरुषों के अपमान करने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। शिंदे फडणवीस सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आपको महाराष्ट्र में जो बोलना है, जिसके बारे में बोलना है, वो आप बोल सकते हैं। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम दोस्तों नपुंसक हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने बागेश्वर बाबा को यहाँ बुलाया था वह अब साईं बाबा के विषय में अपना रुख साफ करे। साईं बाबा को लेकर इस तरह के विवादित बयान देने वाला यह दूसरा व्यक्ति है। इससे पहले आचार्य शंकराचार्य नाम से किसी व्यक्ति ने साईं बाबा को लेकर विवादित दोस्तों टिप्पणी की थी। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अब तक की बड़ी खबर। पहले राजस्थान के अंदर FIR दर्ज हुई है। बता दें कि राजसमंद और उदयपुर में दोनों जिलों के अंदर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज हुई, क्योंकि यहाँ भी भड़काऊ भाषण दिया था और अब साईं बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद चारों ओर से घिर गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।